खनन विभाग हरिद्वार ने खान जिला अधिकारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में आज अपनी विभागीय टीम के साथ भोगपुर, टाडा, भागमलपुर, भिकमपुर, विशनपुर आदि क्षेत्रों में अपने वाहन को छोड़कर स्टाफ के वाहन में जाकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें किसी को कोई भनक तक नहीं लगी, जिसमें आज भोगपुर क्षेत्र में एक ट्रैक्टर संख्या UK08AS2793 में RBM बिना रवन्ना भरे सीज किया गया तथा भीकमपुर में अवैध रेता भरा एक ट्रैक्टर संख्या 4568 सीज किया गया, जिन्हें स्टोन क्रैशर स्टॉक में सुपुर्द किया गया है। उक्त के पश्चात खनन विभाग की टीम विशनपुर की ओर से आ रहे थे, तभी पाल स्टोन क्रैशर में कच्चा माल बाहर से ही देखा गया, तो तुरंत टीम स्टोन क्रैशर के अंदर जाकर मौके पर ही खान अधिकारी द्वारा टीम को स्टोन क्रैशर के कच्चा व पक्का माल की पैमाइश के निर्देश दिए, जिसमें ई रवन्ना से मिलाप करने पर पाया गया कि स्टोन क्रैशर में अवैध उपखनिज पाया गया, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर खान अधिकारी ने तत्काल पाल स्टोन क्रैशर को सीज कर दिया, जिसमें 4,00,000 का जुर्माना ठोका गया। स्टोन क्रैशर की सुपुर्दगी स्टोन क्रैशर मुंशी रूपम कुमार को दी गई है और हिदायत दी गई है कि अग्रिम आदेशों तक स्टोन क्रैशर में क्रय विक्रय बंद रखें। विशनपुर क्षेत्र में अवैध खनन से बने गड्ढों की पैमाइश की गई है। जिस भी भूमिधर द्वारा अपनी भूमि में अवैध करवाया जा रहा है, उनका सत्यापन राजस्व विभाग से करवा कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित कर जुर्माना वसूला जाएगा। जिला खान अधिकारी का कहना है कि हमारे द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, अवैध खनन करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध खनन की कार्यवाही में जिला खान अधिकारी प्रदीप कुमार, सर्वेयर विवेक कुमार, खनिज मुहर्रर माधव सिंह, विजय सिंह व PRD स्टाफ पदम सिंह थे।